केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों को पक्के मकान उपलब्ध कराती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन शहरी और ग्रामीण सब्सिडी में बड़ा अंतर है। तो क्या ग्रामीण इलाकों के लिए सब्सिडी बढ़ेगी? यह सवाल रामटेक लोकसभा क्षेत्र से सांसद कृपाल तुमाने ने लोकसभा में उठाया था। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश में चालू की गई और 2016 में चालू होने के बाद गांव-गांव के लोगों को जो झुग्गियों में रहते थे उनको इसका बड़ा सहारा हुआ और उन्होंने अपने पक्के मकान आज बनवाए हैं। इसमें लेकिन एक जो बातें होती शहरी और ग्रामीण के मामले में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव दिखाई देता है। शहरी वालों के लिए हमारी सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ग्रामीण वालों के लिए 1.4 लाख दिए जाते हैं। इससे कि जैसा हम देखते हैं ग्रामीण में सुविधाएं नहीं होती है, दूसरे गांव से तीसरे गांव से या शहर में जाके हमें वो सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन शहर में सारी उपलब्धता उसी जगह होने के बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादा पैसा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण का जो हम जो निधि देते हैं वो फंड शहरी के बराबर करने का हमारा कोई मानस है क्या, या हम जल्दी करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सीधे आवास प्लस से जुड़ा हुआ है कि हम आवास आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास दोनों में अंतर है, फिर भी मैं आवास 2016 के बाद देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने उन बेघरों को जिनके छत नहीं थी उनको आवास देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आवास प्लस से संबंधित है तो मैं वो जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी। इस 91 लाख अंतराल को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इसको पूरा किया जाए। समापन सीमा को 4 बार बढ़ाया गया, 2 जून 2018, 2 सितंबर को 18, 2 नवंबर तक को बढ़ाया गया, जिसमें आवास प्लस की सूची आई उसको 3 करोड़ के 90 लाख के लगभग उसमें हमें भरना था पंजीकरण परिवारों को, जिसमें आवंटित लाख शेष बचे थे 91 लाख मकान उनको आवंटित करना था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्यों से अनुरोध है जिन राज्यों ने आवास को नहीं बनाया है, ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें मैं तेलंगाना और उसमें तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार ने आवास नहीं बनाया। महोदय, जब तक ये आवास पूरे नहीं हो जाते तब तक हम आवास प्लस की सूची को सर्वे करके उसको ऐड किया। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, मैंने ये पूछा था कि शहरी को 2.5 लाख रुपए ले जाते हैं और ग्रामीण को 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं, तो ग्रामीण का जो हमारा डिफरेंस है वो बढ़ाया जाएगा क्या? वो ग्रामीण को ज्यादा शहरी के बराबर में पैसे दिए जाएंगे क्या? लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। महोदय, आप देखेंगे, एक तो सवाल दीदी ने सही कहा कि आवास प्लस से इन्होंने पूछा था, लेकिन इसके कीमत बढ़ाने का, यूनिट कॉस्ट बढ़ाने का इन्होंने सवाल किया है। आप देखें कि इंदिरा आवास के रूप में चल रहा था जब 2014 में मोदी जी की सत्ता आई और 2000 उस समय 70,000 रुपया इसका यूनिट कॉस्ट था। अभी 1.5 लाख रुपया हमने किया है, अब ये 2,95,00,000 है, इसे पूरा हमारा करना लक्ष्य है।